हेलो गाइस, दिस इज ट्रिपल एस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल बनने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं मैरिटाइम म्यूजियम के अंदर। तो चलो अंदर चलते हैं, इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और गाइस बहुत नॉलेज मिलने वाला है कुवैत के बारे में, कुवैत की हिस्ट्री के बारे में, 80 साल पहले कुवैत कैसा था, लोग क्या करते थे, इसके बारे में सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। कौन से इक्विपमेंट यूज करते थे, किस टाइप के शिप्स थे, मतलब जो पुरानी चीज है ना, हिस्टोरिकल बहुत ही चीज का इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस हम फाइनली मैरिटाइम म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से ये एंट्रेंस था और हम अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर क्या क्या है हर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है और इतना विंटेज लुक है, आप यहाँ देख सकते हो। बहुत ही मतलब जो ब्लैक थीम है बहुत ही जबरदस्त दिख रही है। तो यहाँ के हर एक सीनरी में आपको अच्छे से दिखाऊंगा, बहुत जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। गाइज ये इधर का जो थीम है ना बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया है। जो ब्लैक ब्राउन थीम है ना, देखने के लिए इतना विंटेज लग रहा है, बहुत मतलब मज़ा आ रहा है। और यहाँ ऐसे बहुत सारी चीज़ देखते हो जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे शिप के ऊपर। पुराने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा ये ऐसे वाली चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रही है। वो जो बिजनेस करते थे बाहर से, जो पोर्ट पे सामान आता था, शायद इस तरह का आता होगा। इधर कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है, सेलर आईडी, लॉग बुक एंड लॉग बुक ऑफ कैप्टन। तो गाइज आप एक देख सकते होंगे ये सब अरबी में कुछ लिखा है, ये एक प्रकार का लॉग बुक है। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिख रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं वो कमर्शियल कुछ जो ट्रांजेक्शन हुआ है कंट्रियों के बीच में, शायद वो भी है। इसमें कुछ डेट रहेगा तो मेरे को समझ में आएगा ये कब का है। हाँ देखो गाइज ये जो चीज़ है ना, 25 जनवरी 1944 कब की, ये सब सारी चीजें है। और उस जमाने में जब शिप पे जो रोप यूज करते थे तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। देखो ये देखो गाइस ये जो दिख रहा है ये कंपास है, डायरेक्शन के लिए ये पहले यूज करते थे। और इसके बाद जो मैं इधर एक स्पीडोमीटर दिख रहा है, ये देखो आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर है। और तो गाइस आप ये देख सकते होंगे ये सब जो हुक दिख रही है, 80 साल पहले इस टाइप की हुक का यूज करते थे फिशिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए जो पतीले यूज करते थे, जो पॉट्स यूज करते थे। ये है देखो, ये लकड़ी से बने हुए और बहुत ही थिक दिख रहे हैं, इतना स्मूथ फिनिशिंग है। उस टाइम में भी कितना अच्छे से था, देखो गाइस ये शायद बिल्कुल लीकेज भी नहीं है, इतना अच्छे से बनाया हुआ है। इसमें वो खाना बनाते थे। इधर और एक शिप का कुछ एक स्ट्रक्चर है। तो गाइस आप जो ये चीज देख रहे हो ये लेदर बैग है, ये सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। 15 लीटर पानी बैठता होगा तो 5-6 आदमी एक दिन पीते होंगे। शिप का मैन्युफैक्चर करते हुए जो नया नया शिप बनाते उसका पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया है। इधर ये डिज़ाइन कैसे किस तरह का करते थे आप देख सकते हो। ये स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का बेस लेते थे, उसके बाद थोड़ा उसका इम्प्लीमेंट करते थे थोड़ा, और बाद में ऐसा बढ़ते 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 ये फाइनल आप देख सकते हो इस प्रकार की शिप बनाते थे हाथ से और लकड़ी से सिर्फ। और इधर जो चीज़ें जो मेजरमेंट लेने के लिए यूज करने वाली सब चीज़ें आपको दिखती होंगी, बट ये सब चीज़ देख रहे हो वो सिर्फ शिप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करने वाली चीज़ें गाइज। देखो अगर इतने चीज़ें हैं तो इसमें कुछ मिसिंग होंगे, बट इसमें इतनी चीज़ें तो आप शिप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ऊपर भी कुछ चीज़ें रखी है, इंस्ट्रूमेंट है, ये वीणा वगैरह देख सकते हो, तबला वगैरह दिख रहे हैं। देखो गाइज ये जो दिख रही है पूरे ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स है, ये तराजू दिख रहा है, कुछ बैलेंस स्केल है, ये इस प्रकार के बैलेंस स्केल यूज करते थे। और गाइज ये जो सूट देख रहे हो, ये जो कपड़े देख रहे हो, ये पानी के अंदर जाने के बाद जेलीफिश से बचने के लिए ये ऐसे सूट का इस्तेमाल करते थे। तो गाइज मैरिटाइम म्यूजियम घूम के खत्म हो चुका है, बहुत ही मजा आया, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, बहुत नॉलेज मिला। ये इधर आके मतलब माइंड ऐसा फ्रेश हो गया है, हर एक को जो कुवैत में रहता है उसको एक बार इधर आके ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत मज़ा आ गया है। तो
चलो आज का तो वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज कमेंट करना मत भूलना। और दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, लव यू ऑल, एंड प्लीज बी सेफ।